और यहाँ पर हमें एक काउंटर मेलेडी भी मिल रही है। तो हम यहाँ पर थोड़े क्रिएटिव होकर कुछ मेलेडी नोट्स को चेंज करके एक नई काउंटर मेलेडी बना सकते हैं। तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है यहाँ पर या नहीं, तो इसे हम ट्राई करते हैं। ये अच्छी साउंड कर रही है। ये अच्छी साउंड कर रही है। हम इसे कॉपी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। यहाँ पर हमारी मेलेडी का कॉल एक ऑक्टेव नीचे जा रहा है। मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था। मुझे ये अभी क्लिक हुआ जब मैं काउंटर मेलेडी बना रहा था। ये मेलेडी ऐसे लग रही है कि मैंने इसे आपसे ली है और मैं इन्हें कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं देना चाहता। तो हम कुछ और ट्राई करते हैं। हम एक लेयर ऐड करेंगे। यहाँ पर वो रूट नोट होगा जो इस केस में होगा बी। तो देखते हैं ये नोट्स कहाँ आते हैं। ए शार्प, जी शार्प, डी। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसमें से एक नोट होगा ए शार्प, बी थ्री, जी शार्प और लास्ट नोट क्या होगा। हम ऊपर नीचे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डी शार्प में ऊपर जाकर देखते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है।